गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज डेट 16 सितंबर और मैं हूँ आपकी एजुकेटर पूर्णिमा। हम करेंगे वर्कशीट नंबर 2 साइंस की हिंदी मीडियम में, ठीक है। क्लास आपके 6th है। तो बच्चों, भोजन के घटक क्या होते हैं इसके बारे में हम जानेंगे। पिछली वर्कशीट यानी कि जो वर्कशीट 1 आई थी वो पिछले वीक में आई थी, वेडनेसडे को, ठीक है। आपकी जो साइंस की वर्कशीट होगी वो वेडनेसडे को ही आएगी हमेशा। देखो बच्चों, जो भोजन होता है उसमें बहुत सारे हमें न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं, जो घटक होते हैं, जो पोषक तत्व होते हैं, जो हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए चाहिए होते हैं, हमारे शरीर को बढ़ने के लिए चाहिए होते हैं, हमारे शरीर की स्वस्थ रखने के लिए चाहिए होते हैं। तो अलग अलग हमें क्या चाहिए होते हैं, घटक चाहिए होते हैं। तो देखिए, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, हमने पिछली वर्कशीट में क्या जाना था कि इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं जिनसे हम क्या करते हैं, भोजन बनाते हैं। जो जो भोजन बनाने के काम आने वाले आइटम्स को हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं। तो हमने ये भी जाना था कि छोले भटूरों को बनाने के लिए क्या क्या चीजें चाहिए होती हैं, ये हमने पिछली वर्कशीट में किया था। तो ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए होते हैं। वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए होते हैं। स्वस्थ हम रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से हमारी रक्षा कर सके। इसका मतलब ये है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते, अतः हमें पोषक तत्वों की आवश्यकता पड़ती है। तो ये अपोषक तत्व क्या होता है, ठीक है। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन ये आपके सर है। तो देखो, पोषक तत्व वो होते हैं भोजन के घटक, भोजन के ऐसे पार्ट या घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहा जाता है। यानी कि ऐसे घटक जो हमारे वृद्धि करने में भी हेल्प करते हैं, टूट फूट को भी ठीक करने में हेल्प करते हैं, ऊर्जा भी देते हैं, तो उनको भोजन का घटक कहा जाता है। अब जैसे आप सभी बच्चों की क्लास को एक नाम दे दिया गया क्लास 6, तो इसी तरीके से उन सभी घटकों को एक नाम दे दिया गया पोषक तत्व, ठीक है। पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया है। कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व होते हैं। वसा क्या होती है, शरीर में ऊर्जा को संचित यानी कि स्टोर कर लेती है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, ऊर्जा देता है। और वसा क्या करती है, जो फैट होता है, फैट को वसा बोलते हैं हिंदी में, फैट होता है उसको संचित करना मतलब स्टोर कर लेती है, ठीक है, स्टोर करना। अब प्रोटीन, शरीर बनाने वाले पोषक तत्व, ये शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व होते हैं। खनिज, शरीर के सामान्य कार्यों के लिए ये चाहिए होते हैं। विटामिन, रोगों से हमारी रक्षा करते हैं, ठीक है। उसके बाद पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमें रेशे और पानी की भी जरूरत पड़ती है, ओके। तो चलिए पहला क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या, पोषक तत्व क्या है, ठीक है। पोषक तत्व आप चाहें तो यहाँ से पूरा लिख लेंगे, ये पूरा, ठीक है, ये हमारा होगा क्वेश्चन 1 का आंसर। भोजन के घटक जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं उन्हें पोषक तत्व कहते हैं, ठीक है। अब उस पोषक तत्व का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है। तो वो है प्रोटीन, प्रोटीन लिख देंगे इसका आंसर। फिर वाक्य पूरा कीजिए, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व है, इन्होंने खुद ही लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ऊर्जा ही आना था, ये ऊर्जा ये इनको मिसिंग करना था, मिटाना था यहाँ पे, ठीक है। और तब फिर आपको लिखना था ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व है, ठीक है। पोषक तत्व के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और किसकी जरूरत होती है, पानी की आवश्यकता होती है। आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व जरूर होना चाहिए। तो आपके खाने में क्या जरूर होना चाहिए, आपके खाने में कार्बोहाइड्रेट, ये लिख देना, ठीक है, ये यहाँ पे उठा के लिख देना, क्योंकि आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी, ठीक है, एनर्जी तो आपको जरूर चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट से आपको एनर्जी मिल जाएगी, ठीक है। तो ये थी हमारी आज की वर्कशीट। आई होप सभी बच्चों को अच्छे से समझ में आ गई होगी और ये क्वेश्चन बच्चों आपको याद भी करने हैं अच्छे से। अगर आप याद नहीं करोगे तो फिर एग्जाम में लिखोगे कैसे, तो आप सभी को ये याद करने हैं। अगर आपको हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद है तो आप वीडियोस को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि आपके लाइक करने से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और ज्यादा अच्छी वीडियोस और ज्यादा इजी वे में समझाने के लिए हम और कोशिश करते हैं, क्योंकि आप लोगों के लाइक हमें मोटिवेट। दूसरी बात, आप लोगों का कोई भी डाउट तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और साथ में अपनी क्लास जरूर लिख, ताकि हमें पता लगे कि किस लेवल का कंसेप्ट आपको समझाना है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।